नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम एक महान संत के बारे में बात करेंगे जो मेरे गुरुदेव भी हैं और हनुमान जी के प्रतिरूप भी माने जाते हैं। उनके बारे में बात करने से पहले आइए उनके बारे में जानकारी देता हुआ एक वीडियो हम देखते हैं। नीम करौली बाबा का नाम सुना है आपने? जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना वो ये सुनकर जरूर हैरान होंगे कि नीम करौली बाबा ने दुनिया को बेहतरीन आईफोन देने वाली कंपनी एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग को आशीर्वाद दिया था। अब दावा यह है कि नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से दोनों की दुनिया बदल गई और इस बात का जिक्र जुकरबर्ग ने खुद पीएम मोदी से किया था। उत्तराखंड के नैनीताल से करीब 38 किलोमीटर दूर ये है बाबा नीम करौली का आश्रम। देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड मंदिरों और आश्रमों से भरा पड़ा है, लेकिन नीम करौली बाबा का आश्रम कुछ ऐसी कहानियों की वजह से चर्चा में आ गया है जो शायद पहले नहीं सुनी गई थी। ऐसी ही एक कहानी स्टीव जॉब्स की है। 48 लाख करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स नीम करौली बाबा से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम कैंची धाम आए थे और स्टीव जॉब्स की सलाह पर ही दुनिया को फेसबुक से जोड़ने वाले मार्क जुकरबर्ग ने भी यहां माथा टेका था। मार्क जुकरबर्ग जब अमेरिका से करीब 8,500 किलोमीटर का सफर करके उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचे थे तब उनकी फेसबुक कंपनी 17,44,000 करोड़ की नहीं थी और जुकरबर्ग संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। ये बात दुनिया के सामने तब आई जब प्रधानमंत्री मोदी फेसबुक के दफ्तर पहुंचे थे और मार्क ने खुद ये बात मोदी को बताई थी। Before things were really going well and we had hit a tough patch and I went and I saw one of my mentors Steve Jobs and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company I should visit this temple that he had gone to in India and so I went and I traveled having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect reinforced for me. जुकरबर्ग ने अपनी बातचीत में मंदिर का नाम नहीं बताया था लेकिन ये नैनीताल के पास कैंची धाम का आश्रम था जहां स्टीव के कहने पर जुकरबर्ग पहुंचे थे और इस आश्रम में 2 दिन बिताए थे। स्टीव जॉब्स साल 1974 में इस आश्रम में आए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि स्टीव जॉब्स की नीम करौली बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि 11 सितंबर 1973 को ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन दावा है कि इस आश्रम से लौटने के बाद स्टीव जॉब्स की दुनिया बदल गई थी। Of course, Steve Jobs came to Kenchi, Nim Karoli Baba Ashram. He had come here because of reading the book by Ram Dass, Richard Alpert. When he went back and eventually started Apple Computer, he incorporated a lot of what he learned here in India. बेरोजगार युवा स्टीव जॉब्स अपने मित्र डैन कोटके के साथ बाबा नीम करौली के दर्शन करने आए थे। नीम करौली बाबा को मानने वालों में मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी शामिल है। जूलिया न तो आश्रम आई और न ही बाबा से मिली, वो तो बस एक फोटो देखकर उनकी भक्त हो गई थी। Well, I practice. I mean, I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person. And I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. जूलिया रॉबर्ट्स की तरह ही एक नाम है अमेरिका के कृष्णा दास का जो कभी जेफरी केगल हुआ करते थे। '70 में कृष्णा दास डिप्रेशन और ड्रग्स के शिकार हो चुके थे। वो अपना रॉक बैंड छोड़कर न्यूयॉर्क से भारत आ गए। यहां उनकी मुलाकात नीम करौली बाबा से हुई और फिर दुनिया बदल गई। वो कीर्तन गाने वालों में बड़ा नाम बन चुके हैं,
ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। 1996 से लेकर अब तक उनके 8 एल्बम रिलीज हो चुके हैं। तो आखिर कौन है ये नीम करौली वाले बाबा, जिनके आशीर्वाद और आश्रम के चर्चे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और जर्मनी तक फैले हुए। आखिर कौन है नीम करौली वाले बाबा, जिनके आशीर्वाद और आश्रम के चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका और जर्मनी तक फैले हुए हैं। करीब 42 साल पहले नीम करौली बाबा ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके भक्तों की संख्या में कभी कमी नहीं आई। नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार बताया जाता है। उनकी वेबसाइट पर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों मिलाकर करीब 1300 तस्वीरें मौजूद हैं, और लगभग हर तस्वीर में नीम करौली बाबा कंबल ओढ़े हुए ही नजर आते हैं। कहा तो ये जाता है कि 17 साल की उम्र में ही बाबा को ज्ञान प्राप्त हो गया था। कंबल के पीछे की कहानी क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन भक्त आश्रम में बाबा को भेंट में कंबल ही चढ़ाते थे। नीम करौली बाबा के वीडियो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक ये तस्वीर सामने आई जिसमें वो अपने शिष्य को थपथपाते हुए राम राम का उच्चारण करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। नीम करौली और नीम करौली बाबा दोनों ही नाम से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि साल 1930 में बाबा नीम करौली नाम के गांव में ठहरे हुए थे, और तब से ही उन्हें नीम करौली बाबा कहा जाने लगा था। उनके भक्त उन्हें महाराज जी के नाम से भी बुलाते थे। उत्तर भारत में तो नीम करौली बाबा चमत्कारी बाबा के नाम से मशहूर हैं। और उनके एक नहीं चमत्कार के कई किस्से मौजूद हैं, जैसे एक ही वक्त पर दो जगह मौजूद होना, पानी से पूरे पहाड़ पर घी के दिए जलवा देना। चमत्कार के एक ऐसे ही किस्से का जिक्र वेबसाइट पर किया गया है। बहुत साल पहले जब नीम करौली बाबा 20-22 साल के थे, वो साधु के भेष में एक ट्रेन में चढ़ गए। तब देश आजाद नहीं हुआ था, उन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया था। जब ट्रेन में टीटीई ने बाबा से टिकट मांगा तो पता चला कि बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास कोच में सफर कर रहे हैं। उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। ट्रेन नीम करौली गांव के पास ही रुकी जहां बाबा रहते थे। दावा कुछ ऐसा है कि बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद लाख कोशिश के बाद भी ट्रेन दोबारा नहीं चल पाई, तब तक जब तक नीम करौली बाबा को खाना खिलाकर उन्हें वापस ट्रेन में नहीं बिठाया गया। नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लाइफ, द डिवाइन रियलिटी, अनंत कथामृत जैसी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। नीम करौली बाबा के चमत्कारों की कहानी अमेरिका के बाबा रामदास सुनाते हैं, जो कभी रिचर्ड एल्बर्ट हुआ करते थे। रिचर्ड भारत आए और नीम करौली बाबा से मिले थे, और करौली बाबा को अपना गुरु बना लिया। नीम करौली बाबा ने ही रिचर्ड को रामदास नाम दिया, मतलब भगवान राम का सेवक। चौंकाने वाली बात यह है कि पहली मुलाकात में रिचर्ड नीम करौली बाबा के पैर नहीं छूना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी सोच भी बदल गई और नाम भी। He said, come, this. Sit down. Then he said, you were out under the stars thinking of your mother last night. Which, I mean, a Harvard professor, you know, knowing, having been in cognitive research and stuff like that, nobody, nothing made me ready for that. नीम करौली बाबा बनने से पहले वो लक्ष्मी नारायण शर्मा हुआ करते थे। लक्ष्मी नारायण शर्मा का जन्म यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव के एक ब्राह्मण जमींदार घराने में हुआ था। बात 1964 की है, जब वो यूपी के फिरोजाबाद के पास एक गांव नीम करौली गांव में तपस्या करने पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने कैंची धाम मंदिर की स्थापना की। आज भी हर साल 15 जून यानी स्थापना के अवसर पर मेला आयोजित किया जाता है। मेले में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। तो मैं थोड़े दिन कई साल पहले हल्द्वानी पोस्टेड था, तो अक्सर आया करता था यहाँ पर। अच्छा। इधर मैं 15 जून को मैं 2-3 साल से आ रहा हूँ। नैनीताल में कैंची धाम आश्रम के अलावा देश भर में नीम करौली बाबा के
करीब 48 मंदिर बनवाए गए हैं। नैनीताल, ऋषिकेश, गुजरात, वृंदावन, लखनऊ, शिमला और दिल्ली में भी बाबा के मंदिर हैं। ये तो हुई देश की बात, अब जरा विदेश के बारे में जान लीजिए। अमेरिका और जर्मनी समेत कई जगह बाबा के मंदिर बनवाए गए हैं। I wanted to learn more about Maharaji, so I came here to the mandir and I've learned so much every day. आज भी नीम करौली बाबा के आश्रम में विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता है। हर साल अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों से भक्त यहां पहुंचते हैं। और अब इसलिए सुर्खियों में, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग यहां आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इसका जिक्र किया। उससे पहले स्टीव जॉब्स आए थे। एक बार की बात है कि बाबा जी के पास एक बार एक अमेरिकन भक्त आया और उसने बाबा जी को LSD यानी ड्रग्स ऑफर करे, तो बाबा जी ने एक दो नहीं, पूरी मुट्ठी भर लेके खा लिए। अब भक्त बैठा हुआ, एक घंटा हो गया, दो घंटे हो गए, 10 घंटे, 24 घंटे, कुछ नहीं हुआ। तो बाबा जी बोलते हैं मज़ा नहीं आया। कहने का मतलब है जो ड्रग्स है, जो नशा है, ये इसका जो नशा होता है ये थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन ईश्वर भक्ति का जो नशा होता है वो काफ़ी देर रहता है और उसमें परमानंद हमें मिलता है। बाबा जी के बारे में ये कहा जाता था कि वो आजकल के बाबाओं की तरह नहीं थे कि लंबे लंबे प्रवचन दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, भागवत चल रही है तो 6-7 दिन तक भागवत ही चल रही है। वो जो भी अपनी बात कहते थे एक आध शब्द में, एक दो लाइन में ख़त्म कर देते थे, और उनका सीधा फिलॉसफी ये थी कि आप उनके आश्रम में आइए, प्रसाद खाइए और घर जाइए। हाँ, अगर आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस बारे में उनका ये कहना था कि जब आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या रामायण का पाठ करते हैं तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, यानी सिद्ध आत्मा जो होती हैं, वो आकर सुनती हैं। और अगर रामायण का पाठ करते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं, तो अगर हनुमान जी आसपास हों तो वो भी सुनने को आते हैं। फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उस पर जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको दबा दीजिए।